स्पाइस मनी के थ्रू IRCTC एजेंट ID लेने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि IRCTC एजेंट ID मिलने के बाद उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। जब आप स्पाइस मनी से IRCTC एजेंट ID के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद एक हफ्ते से दो हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास एक ईमेल आ जाता है जिसमें IRCTC एजेंट ID होती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इस ईमेल में IRCTC एजेंट ID लिखी हुई है और नीचे भी आप यहां पर देख सकते हैं और साथ ही यहां पर पासवर्ड भी दिया गया है। इसमें एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट करेंगे। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS सेंड किया जाएगा। उस SMS में एक कोड होगा, वो कोड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये तो आप इस कोड को डाल सकते हैं या फिर आपके SMS पर यही कोड आएगा, वहाँ से भी आप देखकर डाल सकते हैं। तो कई लोगों को जब ईमेल मिलता है तो उसमें ये कोड नहीं होता है, तो अगर आपको कोड नहीं मिलता है ईमेल में तो वो SMS पर आएगा, और अगर आपको ईमेल में ही मिल जाता है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्टिवेट करने के लिए। इसमें यहाँ पर ये कोड डालना है, तो यहाँ पर कोड दिया गया है, इसको डालेंगे। इसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी IRCTC एजेंट ID एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एजेंट इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसी में यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है, इस पर जब आप कर्सर लाएंगे तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये आपको लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा। इसमें आप यूजर आईडी डालेंगे जो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड भी इसी ईमेल में दिया गया है, जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और लॉगिन। इसमें सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है, तो आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसमें आधार बेस्ड KYC पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले KYC कर लेनी है। तो KYC के लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर कोई मिडल या लास्ट नेम है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो आप ये डिटेल्स फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आप यहां डालकर वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी आधार KYC कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद आप अपडेट प्रोफाइल में आधार बेस्ड KYC पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आधार इज ऑलरेडी वेरीफाइड। इसके बाद इसमें है पासवर्ड मैनेजमेंट, यहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, जो पुराना पासवर्ड आपको दिया गया है ईमेल में इसको आप कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए ओल्ड पासवर्ड में, और यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। इसके बाद सबमिट। आपकी IRCTC एजेंट ID सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन या स्पाइस मनी पोर्टल के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, जिस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि स्पाइस मनी के थ्रू IRCTC एजेंट ID कैसे ली जाती है और उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है।